Hey guys, welcome back to the channel. और आज हम लोग फिर से एक बहुत स्पेशल स्कॉच विस्की का रिव्यू करने वाले हैं। हाँ, वैसे तुम लोगों को पता चल गया होगा मतलब क्या आने वाला है, कौन सा स्कॉच विस्की आने वाला है। तो उसी के साथ हम लोग वीडियो आगे बढ़ाते हैं बिना लेट किए। मैं इसको ट्राई करने के लिए भी इंतजार नहीं कर सकता और रिव्यू देने में, तो बिना लेट किए शुरू करते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, बस नहीं करना है और कुछ नहीं, लेट्स गो। तो भाई आज जो स्कॉच हमारे पास है वो है 100 पाइपर्स। तो सॉरी, वो जोक था, ठीक है, वो मजाक था, क्योंकि कुछ लोग बहुत ऑफेंसिव ले लेते हैं जिन लोगों को ये बहुत स्पेशल है। मुझे तो बस ट्राई करना अच्छा लगता है। इसके पीछे एक स्टोरी है। जब मैं 18 इयर्स प्लस हुआ उस दिन मैंने दोस्तों के साथ एक पार्टी में गया था यहीं दुर्गापुर में, तो तब मैंने इसे फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। लेकिन मैं तब विस्की उतना ट्राई नहीं करता था, विस्की पीता नहीं था, तो मुझे उतना टेस्ट के बारे में पता नहीं था। तो वो लोग ने बोला कि ये स्कॉच है भाई, ये है वो है, ट्राई करके देख, बहुत मस्त लगेगा। लेकिन मैंने उसको ट्राई किया और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मुझे बहुत दिनों तक इसे मतलब घिन टाइप का हो गया था कि यार ये बहुत गंदा है। लेकिन फिर बाद में ट्राई करते करते कॉलेज लाइफ में तब जाके पता चला कि ये काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो विद टाइम पीपल चेंज। तो बिना लेट किए हम लोग शुरू करते हैं इसका, इसे ओपन करते शुरू करते मतलब ओपन ही करते हैं, लेट्स गो। सो सबसे पहले हम लोग नीट ट्राई करेंगे। तो जैसे कि तुम देख सकते हो सील है, तो इसका एक पिक्चर यहाँ पे क्लियर मैं डाल दूंगा। इसका जो प्राइस है वो है 480 रुपीज़ इन वेस्ट बंगाल। 180 ml का ये बोतल है, 180 ml, 480 रुपीज़ इन वेस्ट बंगाल। तुम जहाँ से भी देख रहे हो भाई, प्लीज़ अपने जगह का मतलब नाम भी लिख देना और वहाँ पे इसका क्या प्राइस है अगर तुम्हें पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, लोगों को उससे हेल्प होता है। तो लेट्स ओपन इट। तुम बोतल देख सकते हो, मतलब बोतल तो काफ़ी सुंदर है, एकदम बहुत रॉयल वाला फीलिंग आ रहा है, पता है। देख बोतल का जो शेप है वो काफ़ी अच्छा है, ब्लेंडेड स्कॉच विस्की है और बस उतना ही है, मतलब उससे ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो चीयर्स, लेट्स ट्राई इट। ओहो, सेंट काफ़ी अच्छा, मतलब सेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है, जैसे होता ना कि बहुत गंदा सा सेंट, बहुत कुछ विस्कीज होते हैं जो प्राइस में भी अच्छा होता है लेकिन मतलब बहुत प्राइस होने के बाद भी इतना अच्छा सेंट नहीं होता। लेकिन इसमें मतलब प्राइस का बहुत ध्यान रखा गया है कि प्राइस भी अच्छा रखेगा और क्वालिटी भी। सो क्वालिटी हैज अ प्राइस, क्वालिटी के साथ प्राइस। चीयर्स। गॉड डैमन मॉम, भाई इससे ज़्यादा स्मूथ मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं पता कि क्यों मैं तब इतना अजीब टाइप का डफर था कि मुझे इतना गंदा लगा था। मैन 18 इयर्स क्या होता है, बच्चा ही होता है। लेकिन अभी इसको ट्राई कर रहा हूँ ना कि लग रहा है कि यार मैं कितना बेवकूफ़ था यार। ओफ ओफ, लवली लवली। इसे तो मैं ऐसे ही मतलब नीट ही पी सकता हूँ, लेकिन नीट पीना नहीं चाहिए, ठीक है, कभी नीट नहीं पीना चाहिए, वो काफ़ी हार्मफुल होता है आपके लीवर के लिए, चाहे वो स्कॉच ही क्यों ना हो। इसे ख़त्म करते हैं और फिर नेक्स्ट किसी और के साथ ट्राई करके देखते हैं, लेट्स गो। ओह, सो नेक्स्ट भाई हम लोग सोडा के साथ ट्राई करेंगे। ये बिसलेरी सोडा है, तुम लोगों को तो पता ही होगा अगर तुम मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हो और मेरे सारे वीडियोज़ देखते हो, तुमको पता होगा इसके बारे में, ठीक है। इसका स्टोरी बार बार बोलने का ज़रूरत नहीं है, मुझे काफ़ी पसंद है सोडा के साथ। तो हम लोग सोडा के साथ ट्राई करके देखेंगे द 100 पाइपर्स। इसका थोड़ा लॉक में थोड़ा प्रॉब्लम है, मुझे वो नहीं पता कि सिर्फ जो मैंने बोतल खरीदा उसी में या हर एक बोतल में ये थोड़ा मतलब आसानी से लगता नहीं है। लेट्स ट्राई इट विद सोडा, बिसलेरी सोडा। 20 रुपए का बोतल है यार, कहीं से भी मिल जाएगा, मैंने स्पेंसर से उठाया। चीयर्स। उफ, इतना स्मूथ, लवली, मतलब इतना स्मूथ कुछ हो सकता है यार,
वाओ, प्राइस जैसा मतलब क्वालिटी एज अ प्राइस, मैंने पहले ही कहा कि यार काफ़ी अच्छा, काफ़ी अच्छा, मतलब मैं तो रोक नहीं पा रहा हूँ अपने आप को। वाओ लवली, एक अच्छा सा म्यूजिक लगा दो और मुझे ये इंजॉय करने दो। चीयर्स। सो नेक्स्ट भाई हम लोग इसको थम्सअप के साथ ट्राई करेंगे। हाँ ऑब्वियसली थम्सअप का बोतल मतलब इतना ही था, हम लोग ने इतना वीडियोस बनाया कि थम्सअप खत्म हो गया। तो 30 ml का फिर से एक पैक बना लेते हैं, मतलब इतना दिन का एक्सपीरियंस है कि मुझे पता चल जाता है कि ग्लास में कितना हो रहा है तो 30 हो जाता है। सो लेट्स ट्राई विद थम्स अप। यार सच बोलूं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा थम्स अप के साथ। हाँ ये मतलब अजीब टेस्ट कर रहा है, पता है लास्ट मैंने जितने सारे वीडियोस बनाए, कुछ वीडियोस मतलब स्कॉच के साथ जो वीडियोस बनाए उसमें इतना बुरा नहीं लग रहा था, और मुझे लगा कि इसमें के इसके साथ भी उतना बुरा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरा पर्सनल बोलूँ तो भाई, अब हर एक का अपना अपना चॉइस होता है, ये मेरा है, मेरा चॉइस, मैं कभी भी थम्स अप के साथ ये फिर से ट्राई नहीं करने वाला। उफ ठीक नहीं है, लेकिन बॉटम सब करते हैं, लेट्स गो, एक शॉट में खत्म करते हैं, लेट्स गो, ब्रिंग ऑन द म्यूजिक। भाई हर विस्की के साथ कभी ना कभी तुम लोग ने कॉकटेल बनाया होगा, और कॉकटेल मतलब क्या, फ्रूट, तो कोई फ्रूट जूस चाहिए, तो मैंने एक फ्रूट जूस लाया हूँ कि ये वाला ऑरेंज जूस, क्योंकि मेरा फेवरेट है ऑरेंज जूस, स्विंग का है, 10 rupees में कहीं पर भी मिल जाएगा, मैंने इसको भी स्पेंसर से उठाया, तो इसके साथ हम लोग ट्राई करेंगे। मतलब यार मतलब जो लोग स्कॉच पीता है ना वो मुझे गाली देगा लिटरली कि यार तो ऑरेंज जूस के साथ स्कॉच विस्की पी रहा है डूड, लेकिन क्या करें, रिव्यू चैनल है भाई, हम लोग रिव्यू तो करेंगे, देखेंगे किसके साथ क्या अच्छा जाता है। इसमें थोड़ा सा एक अजीब टाइप का कलर हुआ है, देख पा रहे हो, मतलब यहाँ पे ऊपर एक डार्क सर्कल टाइप का हो गया, जैसे मेरे आंख में हो गया रात को बिना कम सोए। गुड जोक, हंसी आया ना, मतलब उतना अच्छा नहीं हुआ यार जोक में। अगर ये चैनल नहीं चला तो नेक्स्ट कॉमेडियन बनने का सोच रहा हूँ, स्टैंड अप कॉमेडी, ये तो सीटेड मतलब बैठ के कर रहा हूँ, वो खड़ा होकर करेंगे। माय जोक्स आर टेरिबल। चीयर्स। अजीब है पता है, मतलब विस्की का, स्कॉच विस्की का टेस्ट या सेंट कुछ भी नहीं है यहाँ। थम्सअप में जैसे वो ज़्यादा आ रहा था, मतलब अजीब सा एक फ्लेवर क्रिएट कर रहा था, इसमें लग रहा है सिर्फ ऑरेंज जूस ही पी रहा हूँ, लेकिन मैंने विस्की अच्छा खासा 30 ml ही दिया है, उल्टा ऑरेंज जूस मैंने कम दिया है। और एक बार ट्राई करके देखते हैं यार, अजीब लग रहा है, मतलब हाँ सच कहूँ तो सिरप जैसा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा सिरप जैसा लग रहा है, तो मैं इसे भी ट्राई नहीं करूँगा, मैं सोडा के साथ ही जाऊँगा, मुझे सोडा के साथ ही ज़्यादा अच्छा लगा था, तो इसे भी जितना बाकी है उसे बॉटम सब करते हैं। चीयर्स, ब्रिंग ऑन द म्यूजिक अगेन, और उसके बाद हम लोग बना लेते हैं अपना स्पेशल ड्रिंक। चीयर्स। सो भाई नेक्स्ट हम लोग अपना फाइनल ड्रिंक बना लेंगे, और जो फाइनल ड्रिंक होता है वो तो हो सकता है बहुत अच्छा होगा या तो बहुत खराब होगा, लेकिन आई होप फॉर द बेस्ट, तो लेट्स सी। तो सबसे पहले जो हमें लगेगा वो है विस्की या स्कॉच, स्कॉच विस्की ऑब्वियसली, मतलब इतना पैसा दिया यार तो स्कॉच ही बोलना चाहिए, तो पहले ये, उसके बाद सोडा, मैं बिस्लरी सोडा यूज़ कर रहा हूँ, बिस्लरी क्लब सोडा, तुम कोई भी सोडा यूज़ कर सकते हो यार, कोई भी ब्रांड का, वैसे तो बिस्लरी को मुझे मतलब स्पॉन्सर कर देना चाहिए, अब तक इतने सारे वीडियोस बनाए हैं उसके बारे में। और लास्ट में पानी, तो इसे मैं टिपिकल इंडियन स्टाइल बोलता हूँ, क्योंकि
हर जगह पे, हर कोई क्लब में या कहीं पर भी तुम चले जाओगे तो ये वाला सबसे फेमस है, मतलब हर कोई ऐसे ही पीता है कि ज़्यादा सोडा कम पानी, और विस्की या स्कॉच कुछ कुछ भी, हम लोग के पास स्कॉच है। उफ डूड, जब से मैंने ये वाला पैक ट्राई करना शुरू किया है, मुझे याद नहीं कब से, लेकिन हाँ एक बार ट्राई किया था और उसके बाद से ये मेरा फेवरेट हो चुका है। अभी तक ये रिकॉर्ड है कि कभी भी ये पैक जो है टिपिकल इंडियन टाइप, हम मुझे कभी भी निराश नहीं करता, पता है, मतलब चाहे कैसा भी जाए बाकी हर पैक, लेकिन ये वाला जो पैक है लास्ट वाला पैक हमेशा मतलब दिल खुश कर देता है। वाह, ओहो, एक रोमांटिक सा म्यूजिक चला दो। वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और मुझे बताओ कि तुम लोग नेक्स्ट क्या देखना चाहते हो, ठीक है। और आज का ये 100 पाइपर्स कैसा लगा वो बिल्कुल बोलना मत भूलना कमेंट सेक्शन में। तो उसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टाटा, सायोनारा, बाय।